हेलो दोस्तों, नमस्कार। नानी दादी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको नींबू का अचार बनाना सिखाऊंगी और कैसे बनाना है। मैंने ढाई किलो नींबू मैंने इसको काट के और नमक डाल के इसको एक दिन के लिए सुबह सुबह कर दिया था। शाम तक मैंने इसको नमक के पानी में रखा, नमक इसमें डाल के रखा तो इसमें थोड़ा पानी छोड़ दिया नींबू ने। तो अब मैं इसको अचार बनाना बताऊंगी आपको कैसा बनाना है। मैंने ये गुड़, 1.5 किलो गुड़ डाला है कढ़ाई में और इसमें मैं आधा गिलास पानी डालूंगी। आधा गिलास पानी डाल दिया है मैंने और अब मैं इसको पकाऊंगी। जब तक ये पूरा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद में इसमें मतलब एक ये डालूँगी, नींबू डालूँगी, उसके बाद में काली मिर्च और हींग और ये अजवाइन डालूँगी। इसके सब जितना नींबू है उसके हिसाब से मैं डालूँगी, इसमें कितना डालना है। 1 चम्मच हींग डालूंगी और अजवाइन 4-5 चम्मच मैं अजवाइन डालूंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। इसको अच्छे से मैं गला लूँगी, फिर इसमें मैं जो 1.5 किलो नींबू है मैंने काट के इसको एक दिन पूरा नमक डाल के इसको धूप में रखा, नमक डाल के धूप में रखा। तो अब मैं इसका अचार बनाऊँगी, खट्टा मीठा अचार बनाऊँगी। तो कैसे बनाना आपको बताऊँगी। मैं ज़्यादा इसमें कुछ मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, खाली काली मिर्च और हींग और अजवाइन। दोस्तों मेरा ये गुड़ जो है अभी नया आया है तो बहुत ही अच्छा गुड़ है अचार बनाने के लिए, ताज़ा गुड़ है। तो मैं इसको पूरा इसको मेल्ट करके फिर आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। दोस्तों गुड़ अब तैयार हो गया है, तो मैं इसमें अब नींबू डालूँगी। ये गुड़ मेल्ट हो गया, अब इसमें मैं नींबू डालूँगी। मैंने सारे नींबू इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसको पकाऊंगी
इसमें 200 हींग, हमें 200 इसमें हींग डालूंगी, एक स्पून इतना हींग डालूंगी, एक स्पून भर के थोड़ा सा, ताकि इसमें हींग की अच्छी खुशबू आए और खाने में टेस्टी लगे। और 4 चम्मच इसमें मैं अजवाइन डालूंगी, एक दो तीन चार, इतने अचार में मैं 4 चम्मच अजवाइन डालूंगी। और अगर आप और भी अजवाइन ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसमें 4 चम्मच डालें और थोड़ा और भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, क्योंकि अजवाइन तो इसमें जीवन में अच्छा होता है बहुत। और काली मिर्च, इसके बाद में इसमें काली मिर्च डालूँगी, काली मिर्च भी 2 चम्मच, 3, 4, 5, 6 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी, 200 मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाल दी। और इसको गैस पे पकने देना है, कम से कम 15 मिनट इसको गैस में पकने देना है। इसको 15 मिनट के बाद फिर इसको ठंडा करके आप चाहे किसी डब्बे में प्लास्टिक के या चाहे शीशी हो तो शीशी में डाल सकते हैं। तो ये जल्दी तैयार हो जाता है, ये 1 हफ्ते में खाने लायक हो जाता है। चलिए मैं इसको भी अभी पकाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अगर दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें देगी देगी मिर्च देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उससे इसका कलर थोड़ा और सुंदर लगेगा। पर मैं मेरे पास अभी है नहीं तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप बिना उसके भी आप बना सकते हैं। और देगी मिर्च जो रेड होती है कलर वाली देगी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें वाइट सफ़ेद नमक तो पहले डाल दिया था, जब मैंने इसको धूप में रखा था तो मैं पहले इसमें, तो अब मैं इसमें थोड़ा काला नमक डाल रही हूँ। दो चम्मच इसमें काला नमक डाल दूँ, दो चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया। दोस्तों मैं इसको तैयार होकर बताती हूँ आपको। दोस्तों मैं इसको पका रही हूँ, कम 15 या 20 मिनट तो इसको पकाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा
रसा इसका जो है नींबू का, तो ये काफ़ी पतला हो गया, थोड़ा इसको गाढ़ा करना है। नींबू के आप बीज भी निकाल के बना सकती हैं, मैंने तो इसके बीज निकाले नहीं, क्योंकि इस तरह मैंने बनाया है कि बीज तो अलग वैसे निकल ही जाते हैं, तो आप चाहे तो बीज निकाल के अलग निकाल के इसको बना सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें जो अचार में 1.5 किलो नींबू में मैंने 100 ग्राम कम से कम नमक डाला है, 100 या थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक ही इसको गलाता भी और अच्छा बनाता है। दोस्तों यह तैयार हो गया है नींबू का अचार, अब तैयार हो गया। अब मैं इसको ठंडा करके, ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी और एक जार में इसको डालूंगी। तो मैंने गैस बंद कर दी, या आपको यह मेरा अचार, ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और नानी दादी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और धन्यवाद, थैंक यू।